राजस्थान सरकार द्वारा पटाखों पर बैन लगाने के बाद पटाखा व्यापारियों में रोष है। इस निर्णय के खिलाफ व्यापारी कोर्ट में चले गए, जहां 4 नवंबर को उनकी सुनवाई होगी। चित्तौड़गढ़ के पटाखा व्यापारियों ने मायूसी जताते हुए कहा कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर पटाखे खरीद लिए, वहीं सरकार को राजस्व भी चुका दिया और उसके बाद पटाखों पर बैन लगा दिया गया। अब उनको न्यायालय से आस है कि न्याय मिलेगा। 4 नवंबर को न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा पटाखों पर बैन लगा दिया गया। कोरोना संक्रमण के काल में प्रदूषण से सांस संबंधी परेशानी नहीं फैले, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। राजस्थान सरकार द्वारा इस फैसले पर पटाखा व्यवसायियों का कहना है कि पिछले 6 माह पहले ही उन्होंने पटाखे खरीदने शुरू कर दिए थे। होलसेल व्यापारियों का कहना है कि कई लोगों को, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको पटाखे भी दे दिए, लेकिन अब सरकार के निर्देश के बाद में पटाखा वापस रिटर्न करने के लिए आ रहे हैं, इसके चलते उन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा है। व्यापारियों को पहले तो कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से नुकसान हुआ और अब पटाखों पर बैन लगने से उनको भारी नुकसान हो रहा है। हम लोग 20 वर्ष से पटाखे का व्यापार कर रहे हैं, निरंतर 20 साल से हम व्यापार में पटाखे के व्यापार में उपलब्ध हैं और सरकार के समस्त नियमों का पालन करते आए हुए हैं। किसी भी नियम में कोई हम पीछे नहीं है। हमें लाखों रुपए का नुकसान होगा, हमारे व्यापारी भाइयों को काफ़ी अच्छी मात्रा में नुकसान होगा, जो लोग पटाखे ले चुके हैं, जिन लोगों ने फरवरी मार्च में जो गवर्नमेंट की फीस जमा करा चुके हैं, उन लोगों ने बाद में माल परचेज कर लिया है, उन लोगों का सबके पास माल उपलब्ध है। अभी तो सभी व्यापार फटाखे ने फटाखे बंद कर रखे हैं। कलेक्टर साहब का आश्वासन था, जो वर्तमान में भी सारे फटाखे बंद हैं, कोई व्यापारी फटाखे नहीं बेच रहा है। जो भी भविष्य में नई गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से सोचा जाएगा। सरकार की चूक हुई है, यही चीज़ अगर 6 महीने पहले या 3 महीने पहले बोल देते तो हमें नुकसान नहीं होता। हमें आर्थिक नुकसान प्लस मानसिक नुकसान बड़ी मात्रा में हो रहा है। कोरोना काल में पहले भी हम काफ़ी 3-3 महीने हमारे व्यापार बंद रहे थे, उसमें भी हमें बहुत तकलीफ हुई। मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, किसी को कह नहीं सकते कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है, लेकिन ठीक है, हम लोग जो सरकार की पालना है गाइडलाइन से उसी हिसाब से हम काम करेंगे। हमारे फटाखे की गतिविधियाँ 6 महीने पहले शुरू हो जाती है और मतलब 2-3 महीने पहले माल आना शुरू हो जाता है, और अभी जब 10-12 दिन बचे हैं तो उसमें हमारे पास करीब करीब सारा माल आ चुका है। और हमने यहाँ से थोड़े दिन पहले दशहरे तक हमने छोटे दुकानदारों को माल भी दिया था, जो हर साल देते आए उसी हिसाब से दिया था। तो अब वो वहाँ भी माल नहीं बिक रहा है बैंड होने से, अब वो माल भी हमारे पास वापस आएगा, तो अब हम क्या करेंगे? न्यायालय में सुनवाई, हमारे को न्यायालय पर विश्वास है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के डिसीजन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था पिछले साल, उसी हिसाब से इस साल फटाखे बने हैं, और उसमें जो केमिकल हानिकारक था सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया था उसको हटा के, और कंपनी वालों ने वो मैन्युफैक्चरिंग की है, हमने वही माल मंगवाया है।